अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? एक छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैसेज। एक मैसेज क्या, बोले एक हादसा ही समझ लें। आज से ठीक एक साल पहले मैं शुगर के मर्ज में मुबतला हो गया। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 600 शुगर थी, 600। डॉक्टर से मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब ने इंसुलिन पर लगा दिया, हसबे मामूल जैसे करते हैं सारे डॉक्टर। 6 महीने तक खूब इंसुलिन लगाई, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, फिर यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिसमें एक मौलाना साहब जो हैं फरमा रहे हैं कि शुगर के पेशेंट अगर जैतून का तेल, खालिस जैतून का तेल, रात को सोने से पहले 2 चम्मच और सुबह उठने के बाद 2 चम्मच अगर पीना शुरू करें तो शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। फिर मैंने यहाँ मदीना शरीफ में, मैं बेसिकली ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान कराची से, लेकिन मदीना शरीफ में मैं जॉब करता हूँ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में, HR डिपार्टमेंट में। खैर, मदीना शरीफ में फिर मैंने यहाँ पर एक बड़ी मशहूर मार्केट है सूक अल खुदरा के नाम से, वहाँ मैं गया, वहाँ सर्च किया तो एक जैतून का तेल जो मुझे सर्च करने के बाद जो नज़र आया, अलजोफ के नाम से, ये डब्बा आप देख रहे हैं अलजोफ के नाम से, ये डब्बा खालिस तेल है, मदीना शरीफ में मिलता है, बल्कि मदीना शरीफ से अलावा मुख्तलिफ सऊदी अरब के जो जो इलाके हैं सब जगह मिलता है। ये मैंने लेके पीना शुरू किया, तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंसुलिन छुट गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल जो है, अब मैं 6 महीने से इंसुलिन बिल्कुल नहीं लगा रहा। और मेरे अपने जितने भी दोस्त यार अहबाब मिलने जुलने वाले, जब मैंने उनको बताना शुरू किया तो उन्होंने भी जब ये पीना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो मेरी उन तमाम अहबाब, दोस्त यार, मेरे रिश्तेदार, जितने भी व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, भाई बहन जो शुगर के पेशेंट हैं, टाइप 1, टाइप 2, कोई सी भी शुगर हो, बिला झिझक कोई सा भी जैतून का तेल, लेकिन खालिस हो, एक्स्ट्रा वर्जन, वो आप लें, रात को सोने से पहले 2 चम्मच पिए और सुबह उठने के बाद नहार वो 2 चम्मच पिए, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं।